करूं भैया, मोरा शौक नहीं है ककरो एहर ठेस पर। मैं भी तो इस शिव शक्ति के पुजारी हूं, पूछना कहां होगा हूं, लेकिन हम लोग को फांस कर चला गए भाई माता रानी। अब मोर ये शरीर तो मोरे ही नाम बदनाम हुई ना। आज तक कोई ऐसे माता रानी नहीं सुने कि मेरे चरणों में पूरी ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आगे करना, माता रानी जो विराज में हाँ मैं सब चीज के बारे में नहीं जानू ना भैया। हाँ। मोला एकदम ये करो तो तुम ना, बस मेरे को ये पता चलती थी कि एकदम एक बार भी पता चला कि एकदम जैसे कि मैं सोकर उठी पहले पहले, अब जैसे कि मैं मुंह धोने गई तो एकदम अग्नि जैसे आया, मतलब सूर्य के प्रकाश तरह, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो ये थाना के डर से बंद किए हैं ऐसा भी है? अब थाना का डर देख, अब कोई भी कार्रवाई तो कौन करेगा बता, कुछ नहीं करना मालूम सब चीज़। वो सब चीज क्योंकि हम माता ही चली गई तो मैं क्या करूंगी बता, मेरे पास ऐसे मैं भी तो बंद हुआ कि थाना को जाए। ओका लड़की सोका तो ऐसी ना अपन अपन रूप दिखाते किसो कैसे कैसे रूप देखे हैं? नौ रूप दिखाया जिससे कि ये होते हैं ना अपन नौ रूप जो दुर्गा जी के, कौन कौन से देखे हैं? जैसे अपन शैलपुत्री हो गए, कुष्मांडा देवी, ऐसे टाइप पूरा नौ रूप दिखाया, पूरा काली माता भी दिखाया, दुर्गा जी भी दिखाया, पूरा नौ रूप दिखाया मोला, पूरा देखे हैं, पूरा नौ रूप दिखाया मोला, जिसे अपन देखता ना, जिसे मनुष्य जो करते ना, ये तो नौ माता के नाम नहीं ले पाते, नौ रूप देख रहे हैं। हाँ, और ये भैया बोला त्रिसे की तो कागरो से 11,000 रुपये के डिमांड करत रहे कि फूक झाड़ करबो तो ठीक हो जाए लड़का। डिमांड नहीं भैया, वो मैं स्वेच्छानुसार चला जो भी है, जिसे मैया चरण पड़े सामने वाला बता रही है सर, मैया जिसे पड़ा चरण तो स्वेच्छानुसार चढ़ा, स्वेच्छानुसार ही दे मना, वो अपन बच्चा ला बहू और अपन माँ साथ बुक लाए रही से, तो यहाँ 11,000 लगी प्लस मोर लिए स्पेशल गाड़ी रहो ना, अब उतनी जो खर्चा हुई अलग करबे। साक्षात माता आ रही सर, विराज मारे सब विसर्जन करना लास्ट अंतिम ईयर है, तो उरकुरा वाले साक्षात माता के घर में आए हम लोग, और साक्षात माता के जो पति हैं वो हैं भैया। कैसे मोहल्ले वाले बता रहे हैं आज विसर्जन कर रहे हैं आप लोग? जी विसर्जन कर रहे हैं। ऐसा तो किसकी मूर्ति बनाए थे आखिर आप लोग? अब मूर्ति सामने बैठी है, देख लेना ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो मूर्ति बैठा है विराजमान कर रहा है, देख रहे हैं स्वयं सामने आ गया तो किसका मूर्ति बैठा क्या चीज़ है। हाँ मोहल्ले वाले तो बता रहे हैं कि माता का ही मूर्ति है, तो इसमें सच है ना भाई, देखा ना सामने सामने सच जो भी है, आप देखो समझ समझ आएगा ना, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा देख ले हम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि विसर्जन करेंगे ना भाई, ऐसा विसर्जन कर रहे हैं। जी ठीक है, तो देख लेते हैं अंदर में। हाँ जी आप भी ले चलिए, हम चलिए। तो ये किसकी मूर्ति है? लक्ष्मी जी की मूर्ति है। लक्ष्मी जी की मूर्ति है जी। ऐसे तो विसर्जन का है कर रहे हैं फिर अभी? विसर्जन का है कर रहे हैं, अब हो गया ना विसर्जन, जैसे करते 9 दिन में। हाँ जी, ऊपर से मांग के विसर्जन कर दें, जो मूर्ति बैठा है घर में थाना वाले बोले कि विसर्जन कर देना। ऐसा थाना वालों का कहना है विसर्जन करना? जी, तो हम लोग बोले जिस दिन होता है दुर्गा जैसे विसर्जन उसी दिन कर देंगे बोला। तो आज तो मतलब दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है, तो लक्ष्मी माता का फिर भी विसर्जन कर रहे हैं आप लोग? जी विसर्जन ही कर रहे हैं हम लोग भी। ऐसा अभी लक्ष्मी माता तो लक्ष्मी पूजा के टाइम बैठती है ना? हाँ लक्ष्मी पूजा की। तो क्या उद्देश्य था अभी बैठाने का? अब इसमें क्या है, जो माता रानी हमारे जो साक्षात माता आए थे वो सब बोले हैं कि लक्ष्मी माता मूर्ति बैठाना है, तो ये सब चीज़ बैठा है अपन। साक्षात माता बोले थे? जी वही बोले थे। ऐसा माता कहाँ गई? माता पहले थी? अब माता देख शरीर में जो भी था माता था, माता क्या इसमें चली गई मूर्ति में, तो अपना शरीर छोड़ दिया उसमें कुछ नहीं है, माता था बोले कुछ माता था नहीं है। ऐसा माता नॉर्मल हो गई? पूरा नॉर्मल जी। ऐसा कहाँ गई तुम माता जो नॉर्मल हो गई हो? अब इसमें चला गया ना भाई, नॉर्मल है भी है, मेरी पत्नी जो है इसमें है, है जो तो पत्नी उनसे हम बातचीत करेंगे उनसे। जी जी। तो ये तो लेकिन शकल थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है माता से। अब आप लोग खुद स्वयं देख लो, मालूम कोई दिक्कत नहीं, क्या शकल मिलता है क्या है देख सकते हो, सब चीज़ देख सको, दिक्कत नहीं। कहाँ से बनवाए थे मूर्ति को? मैं बनाया था कारा बिंद्री से। कारा बिंद्री जी। ऐसा ये कितना खर्च आया होगा लगभग इसको बनवाने में? इसमें 12,000 रुपये लगा है। 12,000 रुपये खर्च लाया है जी। ऐसा क्या की मूर्ति है बनी हो? मिट्टी की है। मिट्टी से बनी है मूर्ति जी। कितना टाइम लग गया इसको बनाने में मूर्ति? अब वो टाइम तो नहीं मालूम कितना क्या है। ये जगह कहाँ पे है आप जो बता रहे हैं जहाँ बना? ये कारावेंद्र छोली उरला जो है ना, उरला का गेम है, बजरंग पावर है, बजरंग पावर है ना छोली उरला के आगे। हाँ उधर है। ऐसा आप मोहल्ले वहाँ से गुमा रोड है? हाँ, तेंदुआ गुमा नहीं है, तेंदुआ गुमा, वहाँ से आप नंदनवन जाओगे। आप यहीं से हो आप? हाँ मैं यहीं से हूँ। तो ये मूर्ति लक्ष्मी जी की लग रही, किसकी लग रही है आपको मूर्ति? मूर्ति किसकी लग रही है? तो नहीं लग रही। तो उनका फेस आप चाहे देखे हो, मतलब मेरे पति देखे हो, पहचानते हो? नहीं। हाँ बिल्कुल पहचानते हो? मैं पहचानता हूँ। नहीं नहीं हाँ बस बस पहचानता हूँ। हाँ
तो किसी उस पत्नी की मूर्ति लग रही है क्या? हैं, पत्नी की मूर्ति लग रही है? हाँ बिल्कुल वही है। देखिए इधर देखिए, लोगों का भी कहना है और अधिकांश लोगों का कहना है। सामने आ जाओ, कौन कौन आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ सामने आ जाओ। तो सामने आ जाओ, सामने नहीं मेरा, देखिए अच्छे से ना, अच्छे से यहाँ एक नहीं पूरा पूरा ऑफिस पूछ लेना कि वाकई में उसी का मूर्ति क्या चीज़ है। हाँ हाँ बताइए बताइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं बृहस्पति निषाद मतलब बिनु बिनु नाम से जानते हैं कि नहीं जाने भी अमर आदत वे हाल पूछ सकता हूँ मतलब। और वो माता रानी मोर पर विराजमान होगी, मैं क्या करूँ भैया, मेरा शौक नहीं है ककरो ये ठेस पर, मैं भी तो इस शिव शक्ति के पुजारी हूँ, पूछना ए भैया मतलब पूरा मोहल्ला वाला पूछ ले भाई, मोर आदत वे हाल कैसे इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कैमरे के सामने बोलिए आके। हाँ आइए आइए, आज ही कैमरे के सामने बताइए क्या बोल रहे थे आप। जितना भी जानकारी चाहिए पत्नी के बारे में पूरा मोहल्ला वासी एक एक कर, क्योंकि यहाँ 7-15 साल आसपास हो गए यहाँ किराया में रख, जो भी है 6-7 साल घर बना है। हाँ। तो एक एक जानकारी पूरा ले लो आराम से। हाँ। एक एक घर से पूछो कि वाकई उसका व्यवहार कैसा था, क्या चीज़ था। हाँ। ये तो माता एक साल हुआ है। हाँ। जैसे भी राजमन के जो जो माता बोले उसी पर मैं क्यों करते गए अपना पति को जो भी कहा होगा ये कहा होगा, लेकिन हम लोग को फांस कर चला गए भाई माता रानी। अब ये शरीर तो मोरे ही नाम बदनाम हुई ना। लेकिन माता रानी ला बोलते कि लोगन मन मतलब सब जन बोलते कि माता रानी का अग्रोसन गलत नहीं करे। तो पता नहीं मोर से तो गलत हो तो गलत कहां से पता। अरे दीदी बोल रही है गलत हुआ तो वही बात है ना, शरीर में वाद शरीर में वास होते तो कोई पता नहीं चला है कि वास्ते क्या चीज करते मालूम है। सही बोलत गए मन का गलत है। हां आज तक कोई ऐसे माता रानी नहीं सुने कि मेरे चरणों में पूरी ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं थोड़ी ना बोले हूं भैया, मैं थोड़ी ना बोले हूं, मैं नहीं बोले हूं भैया, मोर आगे कर रहा हूं। माता रानी जो विराजमान हो को बोलेगे, ये थोड़ी बोलेगे। हाँ। जो भी है माता रानी ऊपर शरीर विराजमान होकर के बोले कि मोला बोलिस कि मैं जगह जननी महावर के मालूम है, तो वो बोलेगे ये थोड़ी बोलेगे। सब छोड़ दीजिए पूरा, अब शरीर में मैया किस रूट पूरा छोड़ दीजिए, शरीर नॉर्मल को पूरा। लेकिन हमारे आए बाद में शरीर ले छोड़ी से एक पहली का बनी छोड़ी से हम वीडियो करके नहीं ले हिमा भैया। हाँ। ऐसे कई जन वीडियो बनाए, लेकिन जब से मूर्ति जैसे नवरात्रि में बैठा हो तब से वो शरीर छोड़ के ये बात हो सके पहले जगह हो लालू इसी से। दीदी ये आगे बोल, कैमरा में बोलबे ना सब बात सुनाई, कैमरा के पीछू मत बोल, कैमरा में बोलते हैं। हाँ मैं सब चीज के बारे में नहीं जानू ना भैया, अमोला एकदम ये करत हो तुम ना। बीमा का भी ये बोला का हुआ तो इधर सकल पहली बार देखा थे भैया पालन होता हुआ, मैं गारंटी देता हूं पहली बार देख ले। ये भी देख नहीं, दोनों के नहीं जाने वाले, पूछ ले देख ले, ये झूठ बोला मालूम है। मैं सीधा आता हूं देखे थे ले मला, नहीं ये देख नहीं नहीं देखे, पूछ ले सामने सामने आता हूं, ये पहचान है ना, नहीं देखे ये झूठ बोलते। अच्छा ये गली में मतलब कोई पहचान नहीं, नहीं पहचान है आपको? नहीं 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 नहीं, बात 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 इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है। क्या पूरा ये मोहल्ला पूछना है, मूर्ति देखी अगर सकल देखी? ये अकेला नहीं बोला था, पूरा मोहल्ला बोला थे कि माता खुद अपन मूर्ति बनवाए। माता नहीं बनवा, मैं बनवाया, लक्ष्मी जी के आप मूर्ति बनाना है तो वहाँ मूर्ति बनाए लक्ष्मी जी के, कोई छुप छुपा नहीं, सच्चाई है, रियल है। ठीक है आप मन तो बोला तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, आप मन देख लो भैया के कहना है की लक्ष्मी जी की मूर्ति, लेकिन लोगन मन कहा थे कि लक्ष्मी जी के नहीं, ये माता के मूर्ति है जो बृहस्पति निषाद है, बृहस्पति निषाद का है। परमा भैया तोला का लगत काकर मूर्ति का तय बता। अब लोग बाग और बस्ती वाले बोलते हैं माता की मूर्ति है, लक्ष्मी जी देखी यह देख तभी समझ आई नहीं का चीज सही का गलत है। मैं इमा कोई झूठ ला मारे नहीं, मैं जो एक्चुअल बोला बताया हाँ मूर्ति मूर्ति काला बोले कि लक्ष्मी जी बनाना, तो बनाए मूर्ति जी के, वहां से कोई दिक्कत नहीं हो सकते। मूर्ति काला भी सपना ही सोई नहीं कि लक्ष्मी जी इसने दिखी है इसे की। अब ओकर बारे में जानू मैं सीधा स्पष्ट टाइम सही सत्य है, मैं बोले कि लक्ष्मी जी मूर्ति आपको बनाना है तो लक्ष्मी जी बनाए, अब कैसे सपना इसका वही समझे और बारे में नहीं कहा था, ते कहा था लक्ष्मी जी की मूर्ति, लेकिन पूरा मोहल्ला वाला मन कहा थे। दूसरा सबसे पूछ रहे नहीं 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 दूसरा बताना मेरे बारे में भैया बताना है, मैं कैसे रहते अब मैं बोल रहा हूँ कि आज दुर्गा माता की ठंडा होना है ना कि लक्ष्मी का, क्यों कर रहे हो ये बताओ। तो हमको ऑर्डर मिला थाना तो हम बोले मालूम सदैव के लिए बैठाए थे इसको, मालूम सदैव रखेंगे करके, तो बोलता मूर्ति उसको भी विसर्जन कर, तो हम लोग बोल दिया ये ऐसा नहीं है।
जब मीडिया की सब बात चले ना तब जाके ये काम कर रहे हो। हम थाना हमन जब आ रहे हैं तब माता है गद्दी में बैठे रही से मस्त गद्दी रही से और गद्दी में बैठे रही माता और ओकर बाद अब हमन आए हैं दूसरा बार आए तो माता ना तो गद्दी में बैठे माता अब नॉर्मल हो गए ठीक है। तो हमार आज बात का बनू इसके पहली का बनू इसमें जानना चाहूँगा तो कर पहली वही बात है जब मूर्ति बैठाए थे जस्ट जैसे कि तब तो विराजमान हो भाई जैसे मूर्ति ला गए तीन तारीख चलो वहाँ जहाँ साइन मारे ना वो बोले से सर मना की मूर्ति ठंडा कर वही खम तराई था ना बोल देना वही तो बोले से कि मूर्ति नहीं रखना है बोले मूर्ति नहीं रखना हाँ ठंडा कर दे ऐसे बोले ठीक है ना भाई। जब इन लोग आए थे उस समय इन लोग बोले मूर्ति थोड़ा से खोल के दिखा दो हम लोग को भी संतुष्टि होगा तो नहीं खोल के नहीं दिखाए क्यों नहीं तो बात ऐसा नहीं माता रानी को था कि बिल्कुल तीन तारीख को बढ़ता है ना उस खोलना हम लोग का नियम अनुसार किए हाँ तीन तारीख को खोले फिर उसको ये नियम आप लोग खुद बनाए थे नियम हम लोग नहीं नहीं माता रानी जैसे से बोला क्या वैसे किए रहे हैं हम लोग नियम नहीं बनाए जैसे माता रानी बोलते रहे वैसे बनाए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा माता रानी किसको बोल रहे थे ऐसा अब माता रानी हमको बोल जैसे सकल जैसे एक दिन खोला था जैसे फर्स्ट दिन नवरात्रि फर्स्ट दिन खाली सकल बस खुला था माता रानी आपके अंदर आई थी मेरे अंदर नहीं आया था जो बैठा था वो बोला था ऐसा मतलब इसके अंदर माता रानी थी पहले से बोला था कि पहला दिन पूरा खोलना है हाँ खाली चेहरा बस फिर पंचिक पूरा खोलना पंचिक पूरा खोल दिए ऐसा तो अब माता रानी चली गई हाँ चली गई नहीं है कैसे गई माता रानी इनसे इसमें कैसे गई अब इसमें ऐसे गई पूरा बेहोश हो गया था मालूम है पूरा मोहल्ला वासी थे इसमें और हम जितना भक्त थे और आसपास के थे लोग पूरा बेहोश हो गया था मालूम एकदम ही और इसमें विराजमान हो गए वो तीन तारीख को बैठा था ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनके पैरों इनके अब कुछ नहीं है पहले बता रहा जैसे माता इसमें थी उसमें चरण में था जो भी अब कुछ नहीं यहाँ वो नॉर्मल हो गया पूरा नहीं तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि हम लोग जब आए वीडियो किए उसके बाद कैसे नॉर्मल हो गए उससे पहले भी तो हो सकता था ये सारी चीजें देख सालों तक चला तीन तारीख को ही जैसे विराजमान कराया ना तब से वो छोड़ दिया मालूम नॉर्मल ऐसा पहले तो दीदी ये बताओ आपके अंदर कौन कौन से माता थे पहले मैं खुद नहीं जानती हूँ कौन से माता आती है और नहीं आती है मैं नहीं जानती हूँ मैं कैसे जानू की बस मेरे को ये पता चलती थी कि एकदम एक बार भी पता चला कि एकदम जैसे कि मैं सोकर उठी पहले अब जैसे कि मैं मुंह धोने गई तो एकदम अग्नि जैसे आया मतलब सूर्य के प्रकाश तरह उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती हूँ फिर उसके क्या हुआ उसके बाद पास क्या हो रहा है क्या नहीं जानती हूँ अभी तो आए मैं चार दिन में अभी तो ये हुआ हूँ अब उन लोग ने फिर भक्त लोग है कि ऐसा मत करो माँ इतनी बड़ी तेरे ऊपर ये हुआ है तो तुम इसमें बैठ जाओ बोले तो बैठे थे कि इसमें गद्दी में बैठ जाओ बोले हाँ भक्त ही लोग बोले थे ऐसा तो अभी क्यों नहीं बैठे गद्दी में अब क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल हूँ तो मैं क्यों इसका ये करूँ लूँ बताओ ना भैया बताओ मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं एक मरे मुर्दा की तरह रही थी। थाना वाले क्या बोले थे थाना वाले बुलाए थे आप लोगों को थाने वाले क्या बोले ठंडा कर देना ऐसे बोले और आज के बाद कुछ भी चीज है दुनिया भर का दरबार जो बिल्कुल बंद होना चाहिए बोला माता की वजह से बंद हुआ है मतलब माता की शक्ति इधर गई है या फिर अगर आना रहेगा तो माता डर जाएगी उसको क्यों बीच में ला रहे हो भाई माता को अगर जब पूरा सृष्टि उनके पैर में है क्यों डरेंगे वो ये बताओ थाना वाले डर जाएंगे हम लोग से डर जाएंगे वो नहीं तो ऐसा ना भाई इसमें विराजमान हो गया अब खत्म हो कहानी जो भी है इसमें विराजमान हो ठंडा कर ये जब डाइवर्ट हुआ पावर जब डाइवर्ट हुआ तो आप दोनों को दिखाई दिया बाकी किसी नहीं नहीं खाली आप दोनों को मेरे को भी नहीं दिखाई दे मैं कैसे जानूंगी मेरे को कहां दिखाई देगा ऐसा तो आपका जो पूरा पावर था माता वाला वो सारा पावर मूर्ति में चला गया ना उसे कुछ नहीं अब जो भी शक्ति हाँ इसमें चला गया सब जो भी अब नॉर्मल हो गया पूरा वो ऐसे तो और ये यहाँ पे नारियल वाली है तो सारा कुछ था वो पूरा भैया सब सफाई कर जो भी है सब साइड करते कुछ नहीं अब यहाँ ठीक है तो अब ये जो काम चल रहा था माता वाला ये सब बंद हो गया पूरा बंद टोटल अभी तक से पूरा बंद कुछ नहीं करेंगे जो भी हो गया ये लास्ट है अंतिम है अंतिम विसर्जन करेंगे उसके बाद ऐसा जी आप भैया परिवार से ही हैं आप नहीं पड़ोसी पड़ोसी हैं तो कब से पता चला था माता जी के भीतर बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आई है लाइट आ रहा है इधर से बनाओगे वीडियो देख लो आप इधर आ जाओ ये बोल रही हैं कि आप बताएंगे बोल के माता बोल रही हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या चीज बोल रही भैया
मैं तोला माता नहीं बुलाता हूँ दीदी, माता तो भीतर आ रही से। हाँ अब माता नहीं है तुला लगे रही इसका ब्रह्मा विष्णु महेश एक चरणों में रह सके क्या? नहीं नहीं वैसे सुने थे हम। इति आ जाओ, इति आ जाओ। शुरू शुरू में आ रहे थे, अभी खैर बीच में नहीं आ रहे थे दर्शन करने के। दर्शन करने आ रहे हैं? शुरू में जैसे जैसे स्टार्ट नहीं हुआ था एक साल पहले जो भी बता रहे थे, शुरू में आए थे हम लोग भी आए थे, कैसे नहीं है ऐसा तो। हाँ उसके बाद कि जब आगे आ रही आप आगे। हाँ मेरा पति भी बताया कि मोहल्ले वाले पहले दर्शन करने के लिए आते थे माता रानी के, तो सड़ी छोड़ते थे, बेहोश हो जाते थे, इन लोग देखते थे ऐसे बोलकर। हाँ भी ऐसा कुछ भी होता था, एक दो बार आए हम लोग तो इसे तो दर्शन करे, बेहोश हुए उस चीज टाइप का कोई नहीं, वैसे कंडीशन में नहीं देखे थे हम लोग। हकीकत में कर अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश सबू देवी देवता है, तोर आत्मल कबू लगी सही से? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं भी है, जो भी है कभी नहीं लगा आपको? नहीं ठीक है। अब नॉर्मल हो गया, अब क्या करना है भैया? पूरा नॉर्मल मूर्ति विसर्जन का नॉर्मल, दरबारा कुछ लगा नहीं, कुछ है ही नहीं भाई, देवी जो रही जो भी चले गए, मूर्तियाँ कुछ रहे नहीं, नॉर्मल है पूरा सब। ठीक है तो हमन हाँ भैया मन से बातचीत करे हन, और मामन रही साहब मन के मामन चल दिस? मामन चले गए गाँव में, थोड़ा दशहरा है तो गाँव चले गए हम ऐसे। वहाँ मतलब ऐसे ना भैया हाँ मैं गई थी थाना में, गई थे आप तो क्या हुआ फिर थाना में आपके साथ? मतलब मैंने मेरे को पूछा कि कैसे क्या क्या आता है, तो वही बताया जैसे कि अग्नि जैसा जो भी है, उसके बाद मेरा सीना दर्द हुआ जैसे वो निकला होगा, तो ये सीना तो 4 दिन से बहुत दर्द था ऐसा आपके सीने में ऐसा। उसके थाने वाले क्या वो बोले कि मैं तो नहीं जानती हूँ मैम, ये सब चीज़ के बारे में बोला उनको कि कौन ब्रह्मा विष्णु, मैं उसी शिव शक्ति को पूजने वाला, मैं कैसे कह दूँ कि मेरे चरणों में ब्रह्मा विष्णु है बोलकर? वो माता लोग बोलते थे आप? वो लोग बोलते होंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता ना कि आप माता को बदनाम कर रहे हैं। माता नहीं, नहीं, मैं क्यों करूं, मैं वही शिव शक्ति का पूजने जाओ जाओ देख लो भाई, ऊपर में शिव शक्ति का ये है, जाओ देख सकते हो, वही जाओ जाओ ना भैया देख लो। और मेरा सास है कि दशहरा हम कहा बनाते, मेरे सास ससुर मिष्ठान बताए बेकरी करता है तो चला गया है, जाओ देख। एक बार मैं अंदर को दिखा देता हूँ, आ जाइए आप, ये वही घर है, वही रूम है जिस रूम में हम लोग बातचीत किए थे, यहाँ पे मैं और यशवंत भैया बैठे हुए थे, यहाँ पे माता की गद्दी थी, माता सोफे में गद्दी में बैठी हुई थी, और यहाँ पे नारियल पूरा लगा हुआ था, और ये जो चिन्ह दिख रहा होगा योगेश इसको दिखाओ आप, यहाँ पे माता का लिखा हुआ था, बड़ा सा लिखा था साक्षात माता बोल के, फ़ोटो हटा दिया गया है, और यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगा था उसमें भी लिखा था उरकुरा साक्षात माता, उस फ़ोटो को भी हटा दिया गया है। अभी इस घर में कुछ है तो खाली ये जो मूर्ति है, भैया बता रहे हैं घर में जो है मतलब माता जिसको बोलते थे उसके पति का कहना है कि ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लक्ष्मी जी की नहीं, उरकुरा वाली जो साक्षात माता है उसी की मूर्ति है, ग्रामीणों का साफ कहना है। खाली एक ही से मत पूछा, पूरा पूछना, जैसे निकलेगा मूर्ति तो सबसे पूछ लेना ठीक है ना, एक ही मत पूछ, जैसे वो बता दी भैया वो लक्ष्मी जी का तो ऐसा मत, सबका निर्णय लेना उसका डालना ना जो भी है। हम ऐसा ही हाँ वो फोटो कहाँ गया, वो फोटो के साथ मिलाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, आप बोल रही थी कि चेहरा जो है पहले से वो हो गया है, डल हो गया है, चेहरा ही थे, फोटो कहाँ है, वो फोटो कहाँ है, वो सब कुछ नहीं मान, वो सब जला दिया, सब इधर उधर रख दे, कुछ है सब विसर्जन कर, मतलब वहाँ से आए बोलते हैं ना तो ये गुस्सा हो गई, मतलब मोर फोटो काबरे में चिपका है जैसे ऐसे बोले हो ना तो क्रोध हो गई, क्रोध हो गया, ये माता मन बोला ये करके ये रख दी ऐसे बोल के, मैं भी तो जा ऊपर से जाओ ना भैया देख लो शिव शक्ति का ये है जोड़ा है, जाओ देख सकते नहीं, ये बताओ अभी दुख हो रहा है माता चली गई शरीर से तो? मेरे को अच्छी लग रही भाई चली गई क्योंकि मैं, अरे आपके अंदर भीतर में माता थी, पूरे देवी देवताओं का निवास था, अब आपको अच्छा लग रहा है, अब खाली हो गया, कैसे अच्छा लगेगा, संभव ही नहीं है फिर तो। कैसे भैया एकदम शरीर कितना दुखता है, अभी सीना भी दर्द होता है मेरा, अभी भी हो रहा है, मतलब साक्षात माता का सीना दर्द हो रहा है अब ऐसा है? मैं मेरे को माता मत कहो, जो भी आई होगी मेरे शरीर में आप साक्षात ही, अब ये शरीर में प्रवेश की, नाम कौन दिया था साक्षात माता, कौन नाम दिया था इसका? अब साक्षात वही बोली थी मैया ही बोली थी, मैया किसको बोली थी, मैया आपको बोली थी, मेरे बोली थी कि मैं साक्षात हूँ शरीर के, कैसे बोली थी मैया साक्षात, मतलब अपने शक्ति में आकर बोली थी साक्षात माता हूँ, अरे नहीं तो कैसे जो शक्ति आया होगा अनुभव की होगी उस अनुभव को बताओ ना कैसे, तो वही तो बात है ना, क्या बताऊँ, मालूम शुरू में जैसे आया ना उससे बोला कि मैं साक्षात माता हूँ, मालूम
नहीं तो पता चला होगा ना कि माता कैसे आई, एकदम लाइट वाइट जला जैसे पिक्चरों में जलता है, कैसे क्या कुछ हुआ? लाइट कुछ नहीं, यहाँ पहले हम लोग क्या दीवान था, यहाँ पूरा सोफे जो रखा था यही पर था पहले। पहले क्या सोफा था ना, पहले जो सोफा यहाँ लगा रहता है जैसे मूर्ति है ना, साइड में सोफा था एक, हम लोग बैठने के लिए रखे थे। मैं नाइट ड्यूटी करके आया, 4 बजे था, गुरुवार दिन था उस दिन। अब मैं सोया था नाइट ड्यूटी करके, तो अपने शक्ति के साथ आया वो सोफा में बैठा, मतलब ये मुँह कान धो के आया होगा, उसका तो शक्ति आ गया पूरा, समझ गया शक्ति आगे का पता नहीं उसका आया होगा जो भी है उसका। तो बोला मालूम है कि पुत्र उठो बोलता मेरे को, तो क्या ना पुत्र पुत्र, तो मैं बोला मन में हल्का उठे उस निंदा भरे, पुत्र पुत्र बोलते मोरा तो दाई जो है बेटा बोलते, बोला तो पुत्र कौन, तो पुत्र उठो बोलते हाँ, तो मोला बोलते जाओ आप शीतला मंदिर जाओ होम धूम धूप देखा बोल। मैं गाड़ी चाबी ले चले गए वहाँ होम धूप दे भर, होम धूप देखा एक बार, फिर यहाँ अपन रटन शुरू करी इसमें, यहाँ कैसे रटन शुरू करी, मतलब अपन बोलते कि मैं मतलब मैं साक्षात माँ हूँ, मैं साक्षात माँ हूँ, मेरे को 16 सिंगार करो बोली, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आसपास कंटिन्यू बोलते कि मोरा 16 सिंगार करो, तो 16 सिंगार करे, मैं 16 सिंगार करे नहीं हूँ। वो लड़की से होगा तो ऐसी ना अपन अपन रूप दिखाते किस वो कैसे कैसे रूप देखे, नव रूप दिखाया जिससे कि ये होते हैं ना अपन नव रूप जो दुर्गा जी के, जैसे अपन शैलपुत्री हो गए, कुष्मांडा देवी, ऐसे ठीक पूरा नव रूप दिखाया, पूरा काली माता भी दिखाया, दुर्गा जी भी दिखाया, पूरा नव रूप दिखाया, बोला पूरा देखे, पूरा नव रूप दिखाया बोला, जिसे अपन देखता ना, जिसे मनुष्य करते ना, तो नव माता के नाम नहीं ले पाता, नव रूप देख रहे हैं, हाँ नव रूप दिखाया पूरा, नाम नहीं ले पाता, नहीं ले पाता, नव रूप दिखाया लेकिन पूरा फिर ना 4 देवी आग बाद यहाँ बैगा है, जो बैगा समझता नहीं, में गिरा बोलते हैं कि वाकई में तो जो देवी माँ विराजमान होते ऐसे बोली इस बैगा जो है, हाँ जैसे 4 जन माता इस वक्त में 5 गया वहाँ भैया पूरा परेशान करते टाइप के, तो बोलते हैं तुरा जो भी देवी मन विराजमान हो पुलिस हुआ, यही उर्कुरज कह रहे ऐसे है ना, कुछ आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप फंसना थोड़ी चाहते हैं ये सब चीजें। और वो मैं पहले ऐसे था कि उस चीज़ के घर फूका झाड़, मोर तो तबीयत बहुत तेज खराब हुआ है भैया, मतलब फूका झाड़ कहाँ, मुसलमान कहाँ, हर चीज कर घूमे, मतलब इतना ग्रसित रहना मन की, तो कई जन मन कमेंट में कहा थ्री लोगन मन कि ये एक अंदर भूत उत आगे, कोई देवी नहीं ऐसे कहा, कोई ऐसे भूत वाला नहीं है, ऐसे कोई भूत वाला बात नहीं है, तो देवी देवता रही से तो एकदम कंफर्म है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कैसी इसे कर भीतर, तो वही बात है ना, ब्रह्मा विष्णु वही थे चरण में जो रही बोला, तो वो ये जो बोला देवी बोला, तो जो भी मालूम है भैया मन के कहना है, वो दीदी के भी कहना है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रही से वो मोर चरण में रही से, ये नहीं कहा रही से, देवी माँ कहा रही से, अब भैया मन देखी से ता बोल सकते हैं, हमन तो देखे नहीं ना, हमन कैसे बोलूँ, ठीक है ना, अब आप मन के भीतर में कैसे इसे बात, आपन तो भैया वेद पुराण जो पढ़े हुआ है लिखा है अष्टंगी माता चरण में सब शीश नवाते, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है शीश नवाते, पढ़े हुए आपन भी नहीं, तो ही भी साक्षात माता यारिस तो जो सत्य बोले वही है कि बाकी मोर चरण ये थोड़ी बोल सकते, ये बताओ मतलब आप मन कि यहाँ इतना कितना दिन तक चली से माता, एक साल पूरा नवरात्रि नवरात्रि पूरा नवरात्रि से दूसरा नवरात्रि एक साल पूरा, यदि हम वीडियो नहीं करते रहते तो अभी तक चलते चली थी इसका लगभग, नहीं चलती दीदी चलती थाना वाला नहीं आती तो चलती से, ठीक है वीडियो करे, बात ये सीधा है कि हम जब वीडियो करें दिखलाएं ओकर बाद सब कुछ बंद हो गया, माता के डाइवर्ट भी हो गए, नहीं नहीं मोर बात ला सुन लेते हैं, मोर बात ला सुन ले पहले हाँ, तो बात ला सुनाता हूँ, तो भैया कहना है कि हमन जब वीडियो बनाए ओकर बाद माता के मूर्ति में डाइवर्ट हो गए पावर है, पहले से बोल रहे हैं सब, पहले से बोल रहे हैं मूर्ति जाए करके, अजीत कुमार शास्त्री जो आयरिश पंडित ना वो जो यहाँ आयरिश पूछे वो सब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ वो सब सच बता रहे हैं कि मूर्ति में डायरेक्ट हुई करके मैया जो है मूर्ति में चले जाए करके, वो सब बोल रहे हैं, लेकिन वो कहा है बीच कर काट के डाल दे वहाँ ऐसे, मतलब हाँ। पावर जो है ये हाँ। माता के जो पावर है ते हाँ। डाइवर्ट हो जी, हाँ डाइवर्ट बता रहे ना मन हाँ रहते तो पूरा अंतर्यामी हस गए इसने में बता अंतर्यामी नहीं कहा, मतलब मैया जैसे बोले इस मोला तो उसे मैया के कहा सब दिखा दे रही, मतलब ते बहुत बड़े पुजारी रहते ऐसे बताते हैं, पुजारी नहीं भैया मैया जो है वो करे मन कुछ पुजारी नहीं, साक्षात माता तो बोला पर आकर के साक्षात बोला था मालूम, हाँ एक रूप विराजमान होके हाँ ऐसे नहीं साक्षात शरीर है ना एक विराज में हो बोला ये बता, चल ठीक है ये सब तो बात हो गए, एक साल में कितना कमाई वमई हुई सोई है, अब कोई कमी नहीं यहाँ तो शिक्षा अनुसार जो भी चला है जो भी श्रद्धा वाला लगभग कितना कमा रहे हो कितना, अब वो सब कुछ नहीं बताना जो भी आया है बस श्रद्धा अनुसार काम धाम ला बंद कर दे रहे पास DI भी है, DI गाड़ी चला कह करे भरोसा नहीं है, ठीक है ना अभी नाइट ड्यूटी कंटिन्यू जब करते रहे पहले भी ठीक है ना, हाँ वो 6 महीना का आसपास काम धाम छोड़े मालूम, वो सब इसी नहीं अपन बस खुद से हम गाड़ी नहीं, काम नाम जब छोड़े हुए तक यहाँ से कुछ आना शुरू हुई तभी छोड़े हुए, अब आना वो सब चीज़ नहीं गया वही है ना, देख जो झोपड़पट्टी से बिल्डिंग बनाया उसका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है,
अब मैं सब सब चीज़ बने बुना है एक ही साथ तो पूरा मोहल्ला पूछन मालूम कोई दिक्कत नहीं और जो बना है झोपड़पट इस बिल्डिंग और कोई इंक्वायरी नहीं है मैं सही बोलता हूँ मैं हाँ सही सत्य है मोर तो सब चीज़ संपन्न है मान के चला मन वीडियो नहीं बनाते तो तोरो तो मतलब तो हूँ तो और लंबा टाइम तक चलती इस मामला है ना कोई विरोध नहीं करती तो चल भी जाती है माता तो वही भैया माता संसार के लिए है मोरे के लक नहीं है संसार के लिए है तीन काम के लिए मियाँ मालूम है और ये भैया बोला रही से कि कागरो से 11,000 रुपए के डिमांड करत रहे कि फूक झाड़ करबो तो ठीक हो जाए लड़का डिमांड नहीं भैया वो मैं स्वेच्छानुसार चला जो भी है जिसे सामने वाला बता रही सर मैया जिसे पढ़ा चरण तो स्वेच्छानुसार चढ़ा स्वेच्छानुसार ही दे मना ये डिमांड वाला बात नहीं है स्वेच्छानुसार दे पैसा जो भी दे ना पर जितना बना इसे डीपे तो ठीक है अब हमन वीडियो करे रहे यशवंत भैया के साथ में भिलाई टाइम्स वाले के साथ में और मैं वीडियो ला दिखा था मैं आपला हमन यही बात कर ले सर और ये वीडियो जो है ये जो रूम है कर पूरा शक्ल बदल गए खाली मूर्ति के जो पेपर में ढके रही से वो मूर्ति खुल गए पूरा श्रृंगार में है लोगन मन के कहना है कि ये मूर्ति है जो साक्षात माता देकर है लेनेकर मन के कहना है कि भैया ये साक्षात माता की मूर्ति नो है ये क्या बोलते हैं लक्ष्मी माता की मूर्ति है आप मन डिसाइड करूँ कि लक्ष्मी माता की मूर्ति लगा थे आप मन ला या फिर साक्षात माता के हमन तो बता नहीं सकन काबर की अलग अलग बात कहना है लोगन मन के मूर्ति का स्पष्ट एकदम सत्य बोली है मोरों कर बीच जो भी बात है सत्य बोली नहीं मतलब लोगन मन जो कहा थे ओला में कहा था मैं तो बोलत भी नहीं हूँ कि लक्ष्मी माता की मूर्ति मैं बोलत भी नहीं हूँ साक्षात माता वो लोगन मन के ऊपर है कि लोगन मन मूर्ति ला देख के वो डिसाइड कर ली कि साक्षात माता की मूर्ति है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति है एक दीप जला थे घर में और लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है तेकर भीतर में सब माता की शक्ति जो है विराजमान हो गए है जो साक्षात माता के मूर्ति साक्षात माता रही से जेकर अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सबो देवी देवता के निवास रही से ओकर जो पावर है वह इमे डाइवर्ट हो गया अब भैया अब कहा तेकर ले बात कर लेते हैं ठीक है हाँ का बोला भैया बोल का बोला वो अभी बिलासपुर में बिलासपुर में अभी कौन बिलासपुर में हेमंत है वो अपन बच्चा ला बहू और अपन माँ साथ बुक लाए रही से तो यहाँ 11,000 लगी प्लस मोर लिए स्पेशल गाड़ी होना अब उतनी जो खर्चा हुई अलग कर बे वो सब कुछ कुछ नहीं बोले श्रद्धा सर जो होते कुछ नहीं हुई श्रद्धा अनुसार जो भी होते सब ले ठीक है ना भाई वो नहीं मैं क्या कहा था वो नहीं ना बिलासपुर में आया गया भैया घूमे वर किए अभी बोला थे अब डिमांड करेगी अब हो सका थे आप मन करे हो कि नहीं करे वो तो लोगन मन जाने ठीक है तो ये कहना है अलग अलग प्रकार के लेकिन अब सीधा साफ बताता हूँ मैं हम कि उरकुरा साक्षात माता जो रही से उकर काम धंधा पूरी तरीके से बंद हो गए है जो मूर्ति है वो भी आज विसर्जित हो जाएगी लोगन मन ला इकट्ठा करे तैयारी शुरू हो गए कि भैया मूर्ति ला विसर्जन करबो अब फाइनली वहाँ बड़े तालाब गीच हंगामा इतना हुई हद से ज़्यादा वहाँ विसर्जन करना नहीं था बिल्कुल ऐसे हाँ तो ठीक है अपन फिर थाना सपोर्टिंग करना कहाँ करना है कहाँ विसर्जन करना है अपन विसर्जन करना है भाई आज दुर्गा खोवा थे दुर्गा माता के विसर्जन हो सका थे लेकिन हाँ। दूसर के विसर्जन बिल्कुल अगर ये मेरे दुर्गा माता रख देती ले जाती हो जाती ऐसे आप मन के सीधा कहना है कि दुर्गा माता नहीं साक्षात माता अपन मूर्ति बनवाए तो मतलब ये ना भैया मतलब गाँव भर मतलब वो है नहीं मतलब एक वो चिड़े है मतलब माता से रूठे ना ए भाई अच्छी माता जो भी विसर्जन करें का दिक्कत बताना अरे तू मन बोला था माता दूसरा थोड़ा बोला तू मोहल्ला का आदमी नहीं बोला थे अब अब तुम्हारे अंदर आत्मा में आ गए तू मतलब दिख गए मतलब नहीं दिखी साथ दिक्कत हो गई ना बात बहुत मतलब दिखना चाहिए नहीं दिक्कत कब माने कब करते लक्ष्मी ला विसर्जन ये बता तो मैं पूछा था ना कब करते विसर्जन माने ठीक है मानता हूँ मैं चलिए लक्ष्मी के कब करते विसर्जन ने बता सवाल पूछा होगा जवाब दे दे नहीं तो विसर्जन तो इससे दीपावली के बाद ही होना चाहिए हाँ लक्ष्मी पूजा बैठा जाए बैठते हाँ गाँव बैठाते कि कभी देखे हर दुर्गा साथ वो माता रानी तो खुद नहीं बोले माता बोले फोन ऑन कर रही तैसे लगते माता रानी माता रानी बन के बैठे रहे वो थोड़े बैठे ये भैया बन के बैठे रही से जो भी बोलना बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं कुछ भी बोलना बोलो सत्य है सत्य है साक्षात माता हरी सेक्शन विराजमान सब विसर्जन करना लास्ट अंतिम ईयर है जो बोलना हम सत्य हैं
जो बोलना बोलो कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना बोलो जो हंसी उड़ा उड़ा कोई दिक्कत नहीं, सत्य सत्य रही कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साक्षात माता आ रही इसे, लेकिन साक्षात माता हम जब वीडियो बनाएन उसके बाद साक्षात माता चल दिस और पुलिस भी आ रही से, पुलिस वाला बोली से कि भैया तुम ना ये जो काम धाम करा था तेला बंद कर दो, तब ये काम धाम बंद हो गए फाइनली। अब साक्षात माता की जो पावर रही इसे बृहस्पति निषाद के में वो पावर है, अब बताया जाते जो मूर्ति है ये मन लक्ष्मी माता की मूर्ति बतावा थे, लेकिन गांव वाला मन के कहना है कि वो साक्षात माता की मूर्ति है, ये में विराजमान हो गए। आप मन का अलग थे कि ये जो मूर्ति है ये साक्षात माता की है या फिर जो बृहस्पति निषाद है वो कर खुद के मूर्ति है, आप मन बताओ। बाकी आप मन पर सवाल छोड़ देता हूँ, लेकिन अब काम धाम जो है जो बृहस्पति निषाद के भीतर में जो साक्षात माता रही से अब वो चल दिस कहे जाते हैं, अब काम धाम पूरा यहाँ के बंद हो चुका है।